बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे पास एक ऐसा ईसीएम आया है रिपेयरिंग के लिए जो BS6 का ईसीएम है, बड़ा पॉपुलर ईसीएम है। तो और हमें लगता है इस ईसीएम का अगले आने वाले 15 साल तक, 15 ईयर्स, इसका मार्केट में दबदबा रहेगा। तो कौन सा ईसीएम है, क्या आईसी यूज़ की गई है इसके अंदर, कैन के लिए क्या फंक्शन इस्तेमाल में लाया गया है, इंजेक्टर सेक्शन कैसा है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम जो मौजूदा वक्त में जो ईसीएम चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी रोशनी डालते हैं, फिर इस ईसीएम के बारे में आएंगे हम। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत ढेर सारे ईसीएम देखे होंगे जो मार्केट में अमूमन चलन में रहते हैं। जैसे बहुत पॉपुलर ईसीएम था आपका, है 1755। 1755 एक बहुत पॉपुलर ईसीएम रहा, बहुत ढेर सारी गाड़ियों में यूज़ होता है, ठीक है, आसानी से रिपेयर भी हो जाता है, इसमें बहुत मुश्किलात नहीं होती हैं। बॉश कंपनी का रहा, इसके बाद बॉश कंपनी ने अपने 1639 ईसीएम भी बहुत मार्केट में चला। ये ईसीएम महिंद्रा की बहुत ढेर सारी गाड़ियों में लगता है। बॉश की सीरीज हुआ करती थी और है EDC 15 सीरीज, EDC 16 सीरीज और EDC 17 सीरीज। इस समय बहुत ढेर सारे ईसीएम EDC 17 सीरीज के देखने को मिलते हैं। EDC 15 लगभग मार्केट से जा चुका है, EDC 16 भी अपने आखिरी दौर में है और EDC 17 इस समय चल रहा है। EDC 17 में आपका आता है 1755 है, आपका I20 वर्ना फ्लूडिक में आ जाइए, उसके अंदर N2A1PF, ये सारे ईसीएम 17 सीरीज में आते हैं। इसके बाद एक डेल्फी कंपनी के ईसीएम आए, उनकी अपनी सीरीज हुआ करती थी, होती है। क्या सीरीज होती है उनकी, उनका होता था DCM लिखा होता था उन पर, ये सीरीज हुआ करती थी DCM 3.2, DCM 3.3, अब 3.7 AP, हुंडई के गाड़ियों में काफ़ी उसमें लाया गया ये वाली सीरीज को, ठीक है। इसके अलावा डेल्फी के ईसीएम और भी हैं जो वॉल्क्सवैगन में हैं वगैरह वगैरह में यूज़ में लाए गए हैं, जैसे ये वाला ईसीएम है, इस पर लिखा है डीजल DCM 3.7 डेल्फी का, ये वॉल्क्सवैगन वगैरह वगैरह में यूज़ में लाया गया है। तो ये भी एक सीरीज है, जैसे बॉश की सीरीज थी उसी तरह से डेल्फी की सीरीज है। इसके बाद एक बड़ी कॉमन सीरीज आई, बहुत पॉपुलर हुआ एक ईसीएम जो जिसका नाम है कैफिको का ईसीएम है, ये बहुत पॉपुलर हुआ और ये पेट्रोल गाड़ी में यूज़ में लाया गया। कैफिको का ईसीएम है, कॉन्टिनेंटल है, सेमिनेंटल के भी ईसीएम काफ़ी देखने को मिले, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितना कि बॉश और डेल्फी ईसीएम का इंडिया में यूज़ होता है, इतना दूसरे ईसीएम का फोर व्हीलर गाड़ी में यूज़ नहीं है। तो ये दो डेल्फी बॉश मैग्नेट मैरली ये ऊपर है, तो इन ईसीएम के बारे में आप जानते ही हैं। तो अब एक ऐसे ईसीएम के बारे में बात करेंगे अब हम, जिसका नाम है बॉश कंपनी का है बट EDC सीरीज नहीं कहलाता। EDC 15 था, EDC 16 हुआ करता था, EDC 17 के बाद ये आया MD1, इस नाम से आता। और यहाँ पर MD से मतलब है कि जो MD1 जो ECM है, तो ये डीजल वाली गाड़ियों में यूज़ होते हैं, डीजल वाली गाड़ियों में
MD1 यूज होते हैं। अगर यहाँ पर आपका लिखा होता MG1 तो ये पेट्रोल की गाड़ी हो गई, MD1 है डीजल की गाड़ी, और MG1 यानी कि ये MG1 वाला ECM पेट्रोल की गाड़ी में यूज़ किया जाएगा, MD1 ECM डीजल की गाड़ी में यूज़ किया जाएगा। ये एक लेटेस्ट बॉश कंपनी की जनरेशन है, MD1 और MG1। ये बॉश कंपनी की एक लेटेस्ट जनरेशन है जो इंडिया में आजकल VS6 गाड़ियों में यूज़ में आ रहा है। ये लगभग ये जैसे ये वाला मॉडल है ये 2020-21 का मॉडल है। इसको जो यूज़ में लाया गया है वो महिंद्रा गाड़ी में लाया गया है, महिंद्रा की बोलेरो है, महिंद्रा की थार गाड़ी में यूज़ में लाया गया है। तो आप जो आने वाला सीरीज है, जो आने वाला वक्त है, जो आने वाले ECM है जिनका ज़्यादा काम होगा, तो वो MD1 बॉश कंपनी का और MG1 ECM होगा। इनमें जितना रोल हार्डवेयर का है, मतलब इसकी IC, इसका CPU कौन सा है, इसका इंजेक्टर सेक्शन कैसे वर्क करता है, इसका आपका कैन कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, जितना हार्डवेयर का रोल है उससे ज़्यादा रोल इन ECM के अंदर सॉफ्टवेयर का होगा। इन ECM के अंदर कोई DTC कोड है जो रिमूव नहीं हो रहे हैं, DTC कोड नहीं हट रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। इनके अंदर ऐसे बहुत ढेर सारे फंक्शन होंगे जिन्हें ऑफ करा जा सकता होगा बाया सॉफ्टवेयर के जरिए, अभी भी किया जा सकता है, लेकिन इनको ज़्यादा काम हो जाएगा, इन पर बहुत ज़्यादा काम इन पर होगा। ये आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा काम होगा, यानी कि अभी जैसे आपका KTAG है, KTM बेंच है जो यूज़ में आ रही हैं, इन ECM के लिए अच्छे टूल्स यूज़ में लाना पड़ेंगे, अपडेट टूल्स लाना पड़ेंगे जो ऐसे काम ईजिली कर सकें। इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह का हार्डवेयर यूज़ में लाया गया है। आइए